आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मेरे ज़मीर को बहुत ठेस पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि आज से करीबन 7-8 दिन पहले मैं मोधो गई हुई थी अख्तरुल इमाम साहब के घर। जब वहां पहुंच करके मैं अख्तरुल इमाम साहब को बोली कि भाईजान, इस बार मैंने आपका दावन थामा है और बहुत उम्मीद के साथ मैं आई हूं, आप हमें इस बार अपना प्रत्याशी बनाइए, या नहीं तो आपके पार्टी में जो दूसरे लोग हैं उनको बनाइए। मुझे मालूम हुआ है कि कोई तीसरा आदमी, चौथा आदमी एंट्री कर रहा है, ये गलत बात है। हम लोग पूर्व से काम कर रहे हैं, या तो मुझे बनाइए या दूसरे जो लोग हैं उनको बनाइए। और मेरी आंखें नम हो गई क्योंकि इतनी न दौड़ भाग करनी पड़ी, क्या बतलाऊँ, ये 25 दिन में इतनी दौड़ भाग करनी पड़ी कि परेशानी से मेरी आंखें नम हो गई। और मैं भाई अख्तरुल इमाम साहब के सामने मेरी आंख से आंसू निकल गए, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये मंच है, यहाँ पर आंसू की कोई कीमत नहीं होती है, जज्बात की कोई कीमत नहीं होती है। वो मुंह फेर लिए और कहें कि जाइए, बिल्कुल सब ठीक होगा, आप घबराइए नहीं। उससे पहले मैं पटना भी गई हुई थी, आदिल हसन से मेरी मुलाकात हुई थी। आदिल हसन ने हमको कहा कि बाजी आप जाइए, जो कि हार्ट चुनाव लड़ेगी तो टिकट आपके घर पर चला जाएगा, दो रिकार शुकराना जाके पढ़िए, शुकराना जाके पढ़िए। इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे जज्बात से खेला है, मुझे बहुत अफसोस है कि जिनको इस इलाके के लोग मसीहा समझते थे, जिनको इस इलाके के लोग कौम के सरदार समझते थे, आज असलियत उनकी सामने आ गई। इलाके के लोगों ने देखा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि ये जो कौम के ठेकेदार बने बैठे हुए थे, जो मसीहा बने बैठे हुए थे, असल में ये एक सौदागर निकले और इन्होंने कौम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, दलितों के नाम पर, वंचित समाजों के नाम पर जो लोगों को आश्वासन दिया था, लोगों को कहा था कि मैं इनके लिए काम करने के लिए आया हूँ, इनको इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ, ये तो टिकट में ही इंसाफ नहीं दिला पाए। इन्होंने गरीबों को टिकट नहीं दिया, सारे लोग अमीरों को टिकट दिया, जितने भी पैसे वाले थे उनको टिकट दिया। और इनके पार्टी के कुछ लोग मुझे फ़ोन किए हुए थे तो मुझे कहने लगे, जानती हैं मैडम, पूर्व मंत्री के बेटा आए हुए हैं, पूर्व मंत्री के बेटा को दिया गया है, उनके सामने किसी की क्या औकात है। तो ये लोग पैसे वाले को पहचानते हैं, मंत्री के बेटा को पहचानते हैं, करोड़पति को पहचानते हैं, लेकिन जो गरीब कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करता है, उनका इनके खेमे में, इनके पार्टी में कोई कीमत नहीं है। जज्बात का भी ना कोई कीमत है, ना आंसू का कोई कीमत है। ये अख्तरुल इमाम साहब शौक उर्दू बोल बोल करके लोगों को जो मोटिवेट करने का काम किया है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा है कि गुलाबी उर्दू जो बोलने का काम उन्होंने किया है, मुझे अफसोस है ऐसे लोगों को पर कि इनके हाथ में अगर देश का बागडोर चला जाए तो हमको लगता है हिंदुस्तान को ये 10 बार बेचेंगे। जब एक टिकट को ये 2 बार बेच सकते हैं, तो हिंदुस्तान का अगर बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए तो कितनी बार बेचेंगे, अल्लाह ही जानेंगे इस चीज़ को। और ये सीमांचल के पाशमंदा की बात करते थे, सीमांचल के पिछड़ों की बात करते थे, ये लोग क्या सीमांचल को आगे ले जाएंगे, क्या सीमांचल के गरीबों के बारे में सोचेंगे। ये लोग अपना विकास करने के लिए आए हैं, अपनी तरक्की करने के लिए इस पार्टी में उन्होंने आया है। आप देख लें, आपके सामने में है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आपके सामने हर एक चीज़ है। सिर्फ जो कि हाट ही लीलाम नहीं हुआ, बिहार में कितनी सीटों को इन्होंने लीलाम किया है। जो कि हाट का तो एक अजब वो अजीब व गरीब मसला हो गया कि जो कि हाट को लीलाम होते हुए पूरे देश के लोगों ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा कि जो कि हाट किस तरीके से लीलाम हुआ पैसों में। लोग एक बार बेचते हैं अपने ज़मीर को, लेकिन अख्तरुल इमाम साहब ने 2-2 बार अपने ज़मीर को बेचा। ऐसी पार्टी, जिस पार्टी को मैं सच्चा समझती थी, जिस पार्टी को मैं अच्छा समझती थी, जिस पार्टी इनको मैं अच्छे रहबर के निगाह से देखती थी, लेकिन अख्तरुल इमाम साहब किसी भी हालात में, किसी भी मौजू में ये
ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि ये कौम के रहबर हैं या इलाके के रहबर हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं करूँगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप में एक शख्सियत हैं। वो शेर हिंदुस्तान थे, शेर हिंदुस्तान हैं। वो मज़हब और क़यादत की जो बात करते हैं बिल्कुल सच्चाई है उनके अंदर, लेकिन जो उन्होंने बागडोर थमाया है बिहार का, एक दलालों के हाथ में उन्होंने बागडोर को थमा दिया है। और उनके नाम पर, उनके चेहरे पर इन लोगों ने खूब खरीद और फरोख्त किया, दलाली किया है। मैं तो यही कहूँगी, अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे इन लोगों का और बिहार की जनता भी इंसाफ करेगी। वो दिन दूर नहीं जो नतीजा आएगा और पूरा भारत देखेंगे, पूरे भारत के लोग देखेंगे कि इन लोगों ने जो दलाली किया था उसका परिणाम क्या आया। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हर पार्टी में बिना कार्यकर्ता का कोई पार्टी नहीं होता है। अगर कार्यकर्ता नहीं रहे तो उस पार्टी का वजूद क्या होता है। लेकिन इस पार्टी में मुझे देखने को मिला कि कार्यकर्ता का कोई वजूद नहीं। कार्यकर्ता को इन लोगों ने गुलाम समझा है, कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करे, लेकिन कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान नहीं दिया गया। कार्यकर्ता को इन लोगों ने मतलब ये समझ लिया कि कार्यकर्ता एक मजदूर की तरह खटे और पैराशूट से जो लोग आए वो टिकट लेकर के जाए उनकी इनके निगाहों में अहमियत है, जिन्होंने नोट दिया। इन्होंने गुलाबी उर्दू बोल बोल करके इन्होंने अपना बोरा कसने का काम किया। और इनके साथ में एक दलाल बलरामपुर का जो आदिल हसन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा दलाली किया। और इस पार्टी में ऐसे लोग जो शामिल हैं, जो दलाली कर रहे हैं, मैं तमाम कार्यकर्ता से कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार के जो MIM के कार्यकर्ता हैं, वो लोग सतर्क हो जाएं ऐसे गुलाबी उर्दू बोलने वाले से। ये लोग सिर्फ कौम को ठगने के लिए आए हैं, इलाके को ठगने के लिए आए हैं। ख़ास के मेरे जोकीहाट की जनता ने बहुत उम्मीद लगाया था और वो टकटकी लगाए बैठे थे कि इस बार जोकीहाट की सूरत बदलेगी, जोकीहाट में एक नया फूल खिलेगा। लेकिन ये शोक उर्दू वाले, ये गुलाबी उर्दू वाले ने क्या किया कि वो फूल को खिलने से पहले इन लोगों ने मुरझा देने का काम किया। और आज पूरे जोकीहाट की जनता मुरझाई हुई है और जोकीहाट की जनता सोच में पड़ गई है कि अब हम लोग क्या करेंगे। मेरा और किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरा सिर्फ शिकायत है ये बिहार की जो बागडोर जिनके हाथ में है, जो बिहार के आला कमान हैं, मेरी शिकायत उनसे है कि उन्होंने सारे लोगों को अपने बातों में ला करके, अपने लहजे में ला करके, बहला फुसला करके सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबों को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है और बिहार को बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये मुद्दा जोकीहाट का तो बहुत बड़ा आता है। आप देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, कुछ लोग छातापुर के भी थे, उन लोगों ने भी बहुत शिकायतें किया है। उसके बाद आप देखिए बहादुरगंज में बेचारे भाई मोशब्बीर साहब को ला करके उनको किस तरीके से बेइज्जत किया इन्होंने। और देखिए युवा नेता हसन जावेद साहब, वो इस पार्टी में आए और इस पार्टी में जान आई। बहादुरगंज वाले ने सोचा कि अब बहादुरगंज की सूरत बदलेगी, जावेद हसन साहब आए हैं, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इनको टिकट मिलेगा, ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए उन्हें, उनको भी ज़मीर पे कितना ठेस पहुंचाया इन लोगों ने। वैसे युवा नेता को इन लोगों ने मुरझा दिया। अभी जैसे कि वो लोग आए थे इलाके की सूरत बदलने के लिए, इलाके के लोगों की उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन लोगों को भी नाउम्मीद इन्होंने किया। आप देखिए समस्तीपुर वाले को भी इन्होंने उसी तरीके से ठगने का काम किया। मतलब तमाम तर लोगों को इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। सिर्फ पैराशूट वाले जो ऊपर से आए, नोट का बंडल लेकर के आए, नोट का अटैची लेकर के आए, उन्हीं को इन्होंने टिकट देने का काम किया। लोगों से पूछते थे कार्यकर्ता लोगों से कि आप कौन कितना मजबूत है, आप पार्टी की मजबूती नहीं पूछते थे, पूछते थे कि पैसा में कौन मजबूत है। तो वो मजबूत लोगों को देख करके उन्होंने, जो पैसे में मजबूत हैं उनको उन्होंने तरजीह दिया। और कार्यकर्ता को तरजीह नहीं, कोई युवा नेता को तरजीह नहीं, सारे लोगों का उन्होंने जिस तरीके से बेइज्जती किया है, मैं समझती हूँ कि बिहार वाले इस बार उसका इंसाफ करेंगे, बिहार की जनता ज़रूर इंसाफ करेंगी। और जिस पार्टी में कोई भी
डेमोक्रेटिक नहीं है और कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है कि अगर किसी को, मान लिया हर पार्टी में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई तीसरा आदमी या चौथा आदमी को टिकट दिया जाता है तो जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे राय मशवरा ज़रूर लिया जाता है, लेकिन इस पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। अपने जो कार्यकर्ता जो पूर्व के दावेदार रहते थे उनको इन्होंने जैसे चाय में जो मक्खी गिरती है उस तरीके से इन्होंने उठाकर फेंकने का काम किया है और बाहर के लोगों को इन्होंने टिकट देने का काम किया है। इस पार्टी में कोई मतलब नहीं होता है रहने का। ऐसी पार्टी जिसका कोई खुद का वजूद नहीं हो, ऐसी पार्टी जो जिसका कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, ऐसी पार्टी में इंसान को रहने का कोई मतलब नहीं होता है। लोग ओनली मीम मीम करते थे कि मीम पार्टी मीम पार्टी, लेकिन अब ओनली पैसों की पार्टी हो गई है। इन्होंने पूंजीपतियों वालों को तरजीह दिया, परिवारवाद को तरजीह दिया और इनका जो क़यादत की बात करते थे, जो मुसलमानों की बात करते थे, जो कौम की बात करते थे, ये सब गलत साबित हो रहा है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इन्होंने अमोर से चुनाव जीतने के लिए ये सारा ढकोसला रचा और पैसा वसूलने का काम किया। इनके भाइयों को और इनको स्कूल को आगे बढ़ाना है, स्कूल खोलना है, चाय बागान खोलना है और इनको जो है अमोर से चुनाव जीतना है। इनको सिर्फ अपनी परी है, न तो कौम की परी है, न तो समाज की परी है, न बिहार की परी है, न MIM पार्टी की परी है। इनको MIM पार्टी को इन्होंने सिर्फ बिजनेस के नज़रिए से देखा है और इस पार्टी को लेकर के ये बिजनेस कर रहे हैं। जो इंसान उतनी बड़ी शख्सियत मौलाना इसरारुल हक साहब का कदर नहीं किए, मौलाना इसरारुल हक साहब के पीठ पे छुरा मारने का काम किए, जिनको आज ये अपने आप को गुरु कहते हैं, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को, जिनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया, ये जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मेरे भी गुरु थे, मैं भी उनकी शिष्या रही हूँ और इन्होंने तो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को भी नहीं छोड़ा, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के भी पीठ पर इन्होंने खंजर मारा है और ये आज अपने आप को कह रहे थे कि ये तस्लीम साहब के बेटा नहीं, उनकी आत्मा आई है सीमांचल में और आज उनको आत्मा नज़र आ रहा है। इससे पहले कहाँ थे जब तस्लीमुद्दीन साहब को आपने खंजर मारा और आज उनके बेटा का बेटा के रूप में उनके आत्मा को देख रहे हैं। ये सब ढोंगी लोग हैं और ढोंग करते हैं। इनकी मैं तो तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इनकी शोक उर्दू पर, इनके गुलाबी उर्दू पर ना जाएं और सोच समझ के अपना फ़ैसला करें, क्योंकि ये 5 साल की बात है और ये चुनाव नहीं, ये 5 साल की जंग है। 5 साल के लिए आप फैसला करने जा रहे हैं।